हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुकिंग स्पॉट फैमिली, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हों और अपने अपने घरों में सुरक्षित हों। आज क्या करूंगी मैं शूटिंग के लिए, यही सोच रही थी मैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी काम था जो शॉपिंग होके आई है। हमने ग्रोसरी शॉपिंग की है तो मैं उसको अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि जितना बड़ा टास्क है शॉपिंग करना, खासकर किचन की गृहस्थी, उससे ज्यादा बड़ा टास्क होता है उसको अरेंज करना। तो मैं ग्रोसरी जो मेरी अलमीरा है इसे मैं रीअरेंज कर रही हूँ और इसमें मैं बिछाने वाली हूँ ये शीट। तो इसमें यहाँ पर ये पेपर रहता है अंदर से, वो खोल करके पूरा स्टिक कर लेंगे और इसके बाद फिर मैं सामान रखूंगी। ये शीट जब हम अलमारी में चिपका देंगे तो वो फिक्स रहेगी, फिर वो हिलेगी नहीं। तो मैं सबसे पहले तो खाली करूंगी अलमारी। तो जितने डब्बे हैं ये देखा है आपने कई बार, 6 सेक्शंस हैं। ये किचन कवर्ड वुडन वाली मैंने बनवाई थी घर पर, इसी घर में बनवाई है। और इसकी प्राइस अक्सर व्यूवर्स पूछते हैं, तो ये हमारी 20,000 में कम्प्लीट बनी थी। ये वाली दो अलमारी साथ बनवाई थी ना, तो 40,000 हमारा बिल आया था। और एक बेडरूम में रखी है और ये किचन में रखी है। अब जैसे मैंने सारे डब्बे निकाले एक शेल्फ से, तो देखो ये जो मैंने शीट बिछाई थी ना, जैसे आती हैं अलमारी में बिछाने वाली, तो ये सुकड़ जाती है। कई बार डब्बे आगे पीछे हो गए, कभी मुड़ जाती है ये, मतलब अपनी जगह से हिल जाती है। अगर आप ये नहीं बिछाते हैं तो जो व्हाइट है ना, यहाँ पर ब्लैक ब्लैक से निशान बन जाते हैं। इवन डब्बों के भी स्क्रैचेस हो जाते हैं, जैसे डब्बा रखा और निकाला स्टील के हैं या कैसे भी, खरोच लग जाती है। इसीलिए इनकी सेफ्टी के लिए या फिर ये और लंबे समय तक नई से नई बनी रहे, तो ये मैं ये बिछा रही हूँ शीट, इसको चिपकाते हैं। तो पहले साइज मैंने सोचा था ऐसे लंबा ले लूं, लेकिन वो कम पड़ रहा था क्योंकि वो चौड़ी ज्यादा थी। तो फिर मैं दो टुकड़े लगा रही हूँ। इसको काट सकते हैं पीसेस करके, तो जैसे नाप लिया है मैंने उसके हिसाब से कैंची से कट करके, और इसके अंदर जो लगी हुई है ना गुम, तो उसे चिपक जाएगा और ये निकाल देंगे व्हाइट वाली शीट जो पीछे दिख रही है इस तरीके से, और इसको पूरा अच्छे से चिपका लेंगे। ये शीट आप किचन में भी जैसे गैस के आगे चिपका सकते हैं, जिनके यहाँ दीवार खराब होने का डर है, तेल के छींटे ना पड़े, उसमें भी यूज होती है। ऑयल जहाँ रखते हैं वहां भी लगा सकते हैं, तो तेल के निशान ऐसे बनते नहीं है इसमें, तो मैं यहाँ पर ये लगा रही हूँ। हालांकि इस अलमारी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारा तेल का कुछ ऐसा लिक्विड काम हो, कोई चीज ऐसी गिरती भी नहीं है। बस सिर्फ मुझे दाग नहीं चाहिए, वो वाइट है ना तो अंदर से दाग नहीं चाहिए, इसलिए लगाया है। और क्लीनिंग में भी बहुत इजी होता है, डब्बे निकाले और पोंछ लिया, हर महीने की एक बार तो सफाई हो ही जाती है अलमारी की हमारी। तो ये इस तरीके से अच्छे से स्टिक कर लिया। इसके पहले मैंने वो लगाई थी शीट ब्राउन कलर की, तो वो उसमें मुझे यही इशू था कि जब मैं डब्बे निकालती रखती हूँ ना, बड़े बड़े डब्बे जो नीचे वाले हैं चावल वाले, कई बार ऐसे निकाल लिया बच्चों ने नमकीन वगैरह के लिए, अब रखने गए तो मुड़ गई, जैसे मुड़ गई वैसे के वैसे रखते चले गए, वो पता चला पीछे पहुंच गई वो प्लास्टिक। तो अब इस तरीके से अच्छे से प्रॉपर सेट हो गई। ऐसा ही मैं सभी शेल्फ में करूंगी, लेकिन इस एक शीट से हमने सिर्फ जब अभी पहली बार रोल खोला और लगाया तो दो ही शेल्फ में लगा है। अभी चार शेल्फ बाकी हैं, तो हम दो और मंगाएंगे और फिर उनमें भी लगा लेंगे। तो अब मैं दूसरे डब्बे भी निकाल रही हूँ ऊपर के जितने भी हैं। दो शेल्फ तो हमारी मतलब पूरी, एक शेल्फ पूरी भरी रहती है दालों से, सारी दालें एक शेल्फ में होती हैं, एक में सारे मसाले होते हैं। तो ये दो मैंने अभी खाली की है, मसाले वाली और दालों की। नहीं अच्छा, मसाले वाले ऊपर थे, अभी डब्बे स्टील वाले डब्बे निकाले जिसमें बेसन वगैरह रखता है। अब भरे फटाफट से डब्बों में। तो जैसा कि हर बार मैं दिखाती हूँ, कुछ क्लिप्स में शॉर्ट करना चाहती हूँ। ये देखो तुअर की दाल, ये तुअर दाल जो मैं कहती हूँ गौरानी दाल है, ये देशी दाल। शेंग दाने हैं, ये मूंग दाल है बिना छिलके वाली, ये मसूर की दाल बिना छिलके वाली, चने की दाल है ये, और ये अखिम उरद है, ये मटर है, ये इमली है, ये मटकी है, और न्यूट्रीला है, राजमा है, उरद की दाल छिलके वाली टुकड़े वाली है, ये खड़ी उरद है, दो तरह की उरद है ना, तीन तरह की उरद, बिना छिलके वाली भी उरद है ये, और ये छिलके वाली है। और
मूंग दो तरीके की हैं, तीन तरीके की हैं, चार तरह की, बिना छिलके वाली दाल है टुकड़े वाली, एक खड़ी मूंग है अक्खे मूंग, और टुकड़े वाली मूंग भी है, और वो भी दो तरीके की। पहले हमको दिखी थी ना, तो हमने छोटी वाली ली, बड़ी वाली ली थी, बड़े दाने वाली। फिर हमको एकदम छोटी वाली दिखी, जो देशी गौरानी दाल होती है वो चाहिए थी, उसका स्वाद अच्छा लगता है मुझे खिचड़ी में और मूंग की दाल में, वो अलग ली है हमने। तो मूंग की दाल, तुअर की दाल तो हमने पहले से मंगा के रखी है, अभी कुछ दिनों पहले 7 किलो वो बाहर से मंगाई, वो साई जीवन से नहीं ली है। साई जीवन में तो पॉलिश वाली दाल मिलती है, जैसे रेगुलर जो दालें होती हैं। और ये डब्बे ऐसे लगाए, तो यहाँ पर ये दिखा रही हूँ मैं कि जो बड़े डब्बे हैं वो अगर एक रखा तो एक ही आ पाता है, अगर हमने हाफ हाफ केजी वाले रखे तो दो आते हैं एक के ऊपर एक, अगर हमने 1 किलो का डब्बा रखा तो उसके ऊपर छोटे वाले डब्बे आते हैं जो कि 250 ग्राम वाले हैं। तो इस तरीके से अरेंज करती हूँ मैं। हालांकि मैंने ये नोटिस किया है कि टप्परवेयर के जो डब्बे हैं ना, हाफ के जी है लेकिन उसमें हाफ किसी से ज्यादा आता है, जो 1 केजी वाले डब्बे हैं उनमें उससे ज्यादा आता है। और ये है तलने वाली चीजें, इनकी फ्राइम्स लिया है, ये वाले पैकेट लिए हैं शुभम ने, और ये आंवला कंठी है, खाने के बाद खाने में स्वाद के लिए सौंफ है मोटी वाली, और ये वो कॉर्नफ्लेक्स है तलने वाले, ये पानी पूरी तलने वाली, ये मक्के के पोहे, मक्के है वो वाले कॉर्न बनाने वाले, इलायची है, और रोस्टेड सेवियां हैं, और मेथी दाना है वो, ये भगर है उपवास में खाने वाला, पोंगे है नागली के, और अलसी है ये। तो ये सारी चीज, साबूदाना है एक डब्बे में, ये सारा का सारा जितना भी है ना किराना सामान, गृहस्थी जिसे कहते हैं कि मतलब होना चाहिए घर में, चाहे जरूरत हो या ना हो, कभी भी कोई चीज की जरूरत पड़े हाँ है तुरंत यूज हो गई। तो भले ही बहुत ज्यादा नहीं रखती हूँ मैं क्वांटिटी, लेकिन थोड़ी थोड़ी ही सही सारी दालें रखती हूँ मैं। और ये है तलने वाला पोहा, कॉर्न फ्लेक्स तो आता है दूध के साथ खाने वाला, ये तलने वाले पोहे होते हैं कॉर्नफ्लेक्स। तो ये शेंगदाने के साथ बनाती हूँ मैं फ्राई करके, शुभम को पसंद है, हल्का सा नमक मिर्च डाल करके बस केवल इनको फ्राई कर दो। नमकीन में अक्सर रहता है मिक्सचर नमकीन में, तो ये छोटे डब्बे वो इस तरीके से एक बड़े डब्बे के ऊपर अरेंज करती हूँ मैं, ये ऐसे, तो वो दो दो डब्बे आ जाते हैं पीछे वाली लाइन में। आगे वाली लाइन जो लगाई है अभी, ये इनके ऊपर भी डब्बे आते हैं पूरे इनकी ही साइज के, इसीलिए वो पूरा 1-1 किलो के डब्बे हैं ये। वो पीछे रखे हैं वो मुझे लगता है उनमें 1.5 किलो के करीब, 1.25 किलो तो आराम से आता है, और उनमें 0.5 किलो तक आ जाता है छोटे डब्बों में। और यहाँ साइड में दो डब्बे रखे ना, जो तुअर की दाल और मूंग की दाल, ये ज्यादा यूज होती है इसलिए वो बड़े डब्बे में रखी है। ये कुकर में बनाती हूँ जो मैं पॉपकॉर्न, ये लाए थे अभी, पैकेट था पहले से भी थोड़ा सा, तो अभी ये रिफिल किया मैंने। इस तरीके से ये भी अरेंज करना होता है, जैसे कोई चीज थोड़ी सी बची है उस डब्बे को तो उसे खाली करना, और दूसरी कोई चीज आई है वो साथ में डाल सकते हैं तो डाल दिया, अगर नहीं डाल सकते हैं तो वो बाद में डालती हूँ मैं। और ये मैकरोनी के पैकेट हैं दो, इनको खाली कर रही हूँ मैं तो डब्बे में पलट रही हूँ। इस तरह के काम भी बहुत हो जाता है, मतलब शॉपिंग से ज़्यादा तो ये गृहस्थी संभालना बड़ा काम है, लेकिन अच्छी बात ये होती है जब आप ये काम करते हो ना, तो आपको अपने घर में कौन सी चीज़ रखी है, कहाँ रखी है, कितनी रखी है, क्या खराब हो रही है, क्या मतलब किसकी हालत कैसी है, वो भी आपको दिखाई देता है। तो चूंकि ये हर महीने काम करो ना आपको, तो कोई चीज़ आप वेस्ट नहीं करना पड़ेगा आपको। अब ये डब्बे उठा के ले जा रही हूँ संभाल के, बच्चों की तरह गोद में उठा के इनको ये यहाँ पहुंचाया, हंसी आ रही थी, मैं बच्चे हेल्प करते हैं शूटिंग के टाइम पे, तो ऐसे मैं हंस रही थी कि ये तो ऐसे गोद में उठा लिया जैसे और इसको लगा दिया यहाँ से लाइन से, तो ये सेकंड रो है उनके ऊपर लगा दिया। और हर डब्बे को पोंछ के रखती हूँ मैं, चाहे वो 4 घंटे लगे मुझे, इसमें भी बच्चे टोकते हैं, गुप्ता जी भी कहते अब रखो उसे, अरे नहीं पहले पूरा पोंछ। तो ये, और इन बड़े डब्बों में एक में होता है बेसन, 2 किलो करीब बेसन हमेशा रखती हूँ मैं, एक में रहता है पोहे, पोहे बनाने वाले पोहे, तो हमेशा 1 किलो का स्वास्थ्य का पैकेट रहता है, थोड़ा सा पहले का रहा तो मतलब 1.5 किलो करीब पोहे रहते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। एक डब्बे में गुड़ भी रखा रहता है, और स्टील के जैसे जितने इस वाले सेक्शन में सारे स्टील के डब्बे हैं ऑलमोस्ट,
और ये एक दाल तो रही गई, मसूर की छिलके वाली दाल। पहले जो थी वो बिना छिलके वाली थी उस डब्बे में ऑरेंज कलर की, ये छिलका मसूर है, ये इसमें भर के रखा है। और मैं आज काटने और भरने वाला जो पार्ट है वो कट कर दे रही हूँ, क्योंकि उससे फिर ना वो मिक्स हो जाता है बहुत लंबा करके। और ये क्या भरा है मैंने, हाँ वो कलरफुल वाला पास्ता और ये प्लेन पास्ता, ये हो गए इनके डब्बे। बाकी ये सब पहुंचाती जा रही हूँ शेल्फ में ना, इसलिए अब मैंने खाली किया अलमारी से मसाले वाले डब्बे, उन सब में दिखाती हूँ मैं तड़के का। मैंने दो मसालेदानी तो बनाई रखी हैं, आपने देखा एक में पिसे मसाले हैं, एक में तड़के का सामान रखा हुआ है। तो ज्यादा जो तड़के का सामान होता है, जैसे सौंफ है, ये बारीक वाली सौंफ जो खाते हैं खाने के बाद, हरी वाली, दो तरह की सौंफ रखते हैं मैं, मोटी वाली वो अभी पहले रख दी ना टप्परवेयर के डब्बे में, ये बारीक वाली खाने के बाद खाने वाली। ये राई का एक रहता है, काली मिर्च और लौंग है एक डब्बे में, तो ये ज्यादा ज्यादा वाला है, ये जो बड़े डब्बा हुआ ये ज्यादा वाला है, एक्स्ट्रा वाला लौंग काली मिर्च, इनमें से निकाल के मैंने मसालेदारी में रखा है तड़के के लिए। बाकी तो मैं गरम मसाला यूज करती हूँ, ये मेथी हो गया और जीरा है, अमचूर पाउडर है, ये एक पैकेट पूरा अमचूर पाउडर था वो पूरा कट करके भर के रखा है इसमें, अमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर, राई है, जीरा, वैसे हम जीरा तो 1 किलो का पैकेट लेते हैं, बड़ा डब्बा बड़ा पैकेट पूरा वो रखा है, ये भी थोड़ा सा निकला रखा है इसलिए किया है, क्योंकि अभी बारिश का सीजन है ना, जो पैकेट पैक है और उनकी जरूरत नहीं है तो उनको मैं खोलना नहीं चाह रही हूँ, वैसे के वैसे रख देना चाहती हूँ, जब ये खाली हो जाएगा ना थोड़ा सा जो बचा है फिर निकालूंगी मैं नया पैकेट। और राई और मेथी, जीरा, ये काली मिर्च का पाउडर है, ये दालचीनी है और ये फूल है वो जो डालते हैं तड़के में, और ये अजवाइन है, हाँ अजवाइन। तो ये सारे मसाले मैं मसालेदानी में ऑलरेडी निकाल के रखती हूँ, ये लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, ये 3 फिक्स हैं इनके डब्बों के। और ये है गरम मसाला जो कि मैंने घर में पीसा है, तो एक कांच के जार में रखती हूँ मैं गरम मसाला, काफी लंबे टाइम तक चलता है और खराब भी नहीं होता है, तो ये अलग से रहेगा उसमें। और ये 3 डब्बे सूखे मसाले, हल्दी धनिया मिर्च, और ये चौथा गरम मसाले का। बाकी ये सारे मसाले जो छोटे छोटे डब्बे दिखे आपको तड़के वाले, ये सब पूरा एक सेक्शन है, अभी दिखाऊंगी उसमें सारे मसाले। ये काश्मीरी लाल मिर्च है, ये भी इसमें भर के रखती हूँ मैं हमेशा, या अलग से कभी कभी कुछ सब्जियों में डालना हो। ड्राई फ्रूट्स मैंने आपको बताया था एक दिन कि मैंने ये बच्चों के स्कूल वाले टिफिन जो अब यूज नहीं होते हैं, एयर टाइट लिड है इनकी, तो काजू बादाम किशमिश और अखरोट इनमें ही रखती हूँ। काजू वाला डब्बा खाली है उसमें मैं भी भर दूंगी। और ये रहा बादाम अखरोट और किशमिश, ये हमने नहीं लिया था क्योंकि ये ऑलरेडी रखे हुए थे, जब ये खत्म हो जाए पूरे तब लेंगे, क्योंकि जब से मैं लखनऊ से आई थी वो बड़े बड़े डब्बे थे ना ड्राई फ्रूट्स के आए थे वो वही चल रहे हैं। और अखरोट वो आ रहा है लेकिन लगातार, पिंड खजूर और अभी काजू आया है तो वो भर के रखा है। और पिंड खजूर तो मैं खैर फ्रिज में ही रख देती हूँ एक डब्बा लंबा, क्योंकि वो ज्यादा बच्चे खोलते हैं ना डब्बा, वो अपने आप खोलते हैं, ये तो खैर मैं ही जब निकालती हूँ, वो यहाँ रखे हैं मैंने साइड में, ऊपर मसाले सारे और वो ड्राई फ्रूट्स। चावल हमने जगन्नाथ भोग लिया है इस बार 58 रुपीज केजी, जो कि मैं 10 किलो लेती हूँ, पर मैंने 7 किलो लिया क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही गुप्ता जी लाए थे 5 किलो का, ये इसीलिए 2 डब्बे दिख रहे हैं। तो एक को तो मैंने पूरा फुल पैक कर लिया, जो थोड़ा दूसरे पैकेट में बचा है उसका हम अभी यूज कर लेंगे, मतलब ये हमारा स्टॉक में रहेगा चावल। तो बहुत बारीक है जीरे, जो हमारे घर जीरा है उससे आधा साइज है, और पतला बहुत है, बहुत नरम और खुशबूदार। लेकिन ये पुराना चावल की क्वालिटी, हम कभी भी लेते हैं तो हम बोल के लेते हैं कि हमें पुराना वाला चावल चाहिए। और इसमें मैंने डाला है पारत टिकड़ी, क्योंकि बारिश का सीजन है कीड़े वगैरह ना लगे, इसलिए पारत टिकड़ी गोली में अनाज में डाल के रखती हूँ कपड़े में पोटली बांध बांध करके, और ये मैंने डाला है और इसको पैक कर देंगे। तो ये अभी फिलहाल नहीं खोलेंगे, 1 महीने तो इसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी बारिश के टाइम पर, क्योंकि दूसरा डब्बा जो है इसमें मैंने रखा है मोटा वाला चावल जो मैं इडली और डोसे के यूज करती हूँ, प्लस रेगुलर वाला चावल भी है उसमें। और ये 2 पैकेट नमक के देखिए, ये है टाटा सॉल्ट और एक है वो रॉक सॉल्ट। और अब ये आखिरी ये पैकेट वैकेट खोले जाना है, 3 शेल्फ लगा दी ना पूरी पैक करके। ऑयल के पैकेट लिए हैं हमने फॉर्च्यून ग्राउंडनट, यही हम तेल यूज करते हैं मूंगफली का, और सरसों का तेल यूज करते हैं, तो सरसों का तेल हम ये कच्ची घानी लेते हैं फॉर्च्यून का ये वाला।
तो खेल लेते हैं हमेशा, हम 5 लीटर की लेते हैं सरसों के तेल की भी और मूंगफली की भी, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा था इसलिए हमने पैकेट लिए हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनसे भी रिफिल करना इजी है। ये सोसाइटी टी है, वो निलोंग्स का लिया है गुलाब जामुन, क्योंकि अब बनाऊंगी राखी में गुलाब जामुन, तो ये पैकेट लिया है। कई बार टाइम पे नहीं मिलता है मावा और कोई आए भी घर में अचानक से, तो गुलाब जामुन बनाए जा सकते हैं, ये पैकेट लिया। और ये है चीनी, 5 किलो लेते हैं तो वो इसमें भरी है, कांच के जार में ही भर के रखी रहती है। इसमें लौंग डाल के रखी है कि चींटी ना हो। और ये टोमेटो केचप है और बॉर्नविटा। अभी इतने सामान खाली करने हैं, सोचो अभी जितना खाली हुआ है वो तो पहुंच गया है। अभी ये नमकीन के मिक पैकेट हैं, कई सारे हैं, ये ऐसे स्वाद अलग अलग पैकेट ले लिए हैं, इकट्ठा ही आ जाता है। फिर ये बीच बीच का नहीं रहता कि ये लाना है वो लाना है, कुछ ही चीजें हैं जो कभी खत्म हो जाए तो आ भी जाती है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और जैगरी पाउडर भी कुछ दिनों पहले ही मैंने मंगाया था 1 किलो का, बहुत बढ़िया पसंद आया हमको, तो ये इसलिए खड़ा लिया है, छोटा लिया इस बार ये वाला जमा हुआ। अब ये सामान खाली करना कैसे किए जाए। चावल के तो डब्बे पहुंचाए मैंने चावल वाली रैक में, एक डब्बा बड़ा ऐसा ही खाली है, उसमें मैं सारे पैकेट्स भर के रखूंगी। अक्सर पूछा जाता है मुझसे, और ये चीनी बड़े डब्बे में इसमें रहती है, छोटा डब्बा यहाँ पे रहता है चीनी चाय की पत्ती वाला, वो भी पूरा फुल कर लिया है, क्योंकि ये तो पूरा भरने के बाद जो एक्स्ट्रा चीनी होती है वो मैंने पूरी उसमें डाल दी है। पैक ऑयल कितना यूज होता है ना, हमने 3 पैकेट यूज होता है, हम 2-3 महीने से लगातार काउंट कर रहे हैं, जब से ये पैकेट सिस्टम शुरू हुआ ना। पहले 5 लीटर में तो अंदाज नहीं मिलता था, डेट याद रखो कि कब से शुरू किया कब खत्म हुआ, लेकिन ये पैकेट जब भी मैं रिफिल कर रही हूँ तो 10 दिन 1 पैकेट चल जा रहा है, यानी 3 लीटर ऑयल हमारा 1 महीने में जाता है। घी की कोई गिनती नहीं है, वो तो घर का ही रहता है, घर की खेती जैसा हाल है उसके। और सरसों का तेल 1 लीटर से कम ही होता है, क्योंकि वो हरी सब्जियों में यूज करती हूँ। और ये है मखाने, और ये है सूखा नारियल, खोबरा कद्दूकस किया हुआ जो कि सब्जियों में थोड़ा थोड़ा या चटनी में डालना हो, ये बूंदी है, बूंदी का 1 किलो का। और ये खोबरा वाटी, ऐसे वाटी ली जाती है ग्रोसरी, अब यही साई जीवन से ही पैकेट, और इसको ऐसे ये रखा है वाटी, और थोड़ा सा मैंने इसमें कद्दूकस करके डब्बे में भर के रख लिया। कद्दूकस किया हुआ खूब खुले हाथ यूज होता है, चाहे खीर में डालो, चाहे सब्जियों में भूनना है, मसाले में डालती हूँ मैं कांदा और खोबरा, तो इसमें भूनते हैं आसान रहता है, पिस्ता भी इजीली है, और वो अलग से वाटी रखी है डब्बे में, ये इसमें रखा। और इसको मैं अलमारी में ही रखती हूँ, कुछ खराब नहीं होता ये, कभी भी मैंने फ्रिज में नहीं रखा नारियल कभी भी, बल्कि अभी बारिश आ रही है तो ये खराब हो, जैसे नमी लग जाएगी तो फंगस जैसी लग जाएगी। ये मेरे वाले बिस्किट है चाय के साथ खाने के, क्रैक जैक, ये इस डब्बे में रखा है पैकेट, चाय का कप लेके बैठे कि अपना डब्बा पास में लेके बैठे। और ये है भुने चने, हमारी फैमिली में जिस समय मतलब शाम के समय ये खाया जाता है भुने चने, ये मैंने ज्यादा से मंगाए हैं, 5 किलो मंगाए थे तो बड़े डब्बे में अलग से रखे हैं वो, ये थोड़े थोड़े मैं भरती रहती हूँ डब्बा, इसीलिए वो यहाँ रखा है। भुने चने ये वहां से मंगाते हैं जहाँ पे भुना हुआ मिलता है ना, शेंगदाना, भुने चने, भुने हुए शेंगदाने, ये पैकेट है पापड़ का, इसमें ही रहता है स्टील के डब्बे में, फिक्स है। और सेव है मोटे वाले, सेव की सब्जी बनाना, सेव भाजी या फिर सेव टमाटर के लिए। और ये नमक है तो एक में मैंने भरा है टाटा सॉल्ट और एक में रॉक सॉल्ट, ऑलरेडी भरा हुआ है पैकेट ये है, तो वो अभी पैक नहीं खोला है, जो एक नया आया है वो रखा है साइड में, घर में होना चाहिए ना पैकेट नमक का, तो वो है। तो 2 डब्बे ये हो गए भरनिया नमक की, और एक में पिंक सॉल्ट रहता ही है तो यहाँ रखा हुआ है, ये हिमालय का पिंक सॉल्ट है, तो ये 3 नमक हुए। जो चीजें हैं उनको रिफिल नहीं कर किया मैंने, जो खाली है उनको रिफिल किया, क्योंकि अभी थोड़ा सा सीजन भी ऐसा है ना, खोल खोल के रखो तो आधा आधा सामान खराब होने का डर है। और ये और मूंग वड़ी बनाई थी हमने, वो रख लिया है यहाँ पर, डब्बा बॉर्नविटा का है, गुड़ पाउडर जो है जैगरी पाउडर वो रख दिया, और ये 3 डब्बे लाइन से रखे हैं जिनमें जो पैकेट मैंने रिफिल नहीं किए हैं, जैसे ऑयल कंटेनर है वो रखा, और फ्रिज में रखा है सूजी रवा और मैदा, ये दोनों पैकेट फ्रिज में डाल दिए। बस इस तरीके से सारा किचन कवर्ड ऑर्गेनाइज किया है। आई होप कि आप सभी को मेरा ऑर्गेनाइजर वीडियो पसंद आया होगा।
कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अब मैं यहाँ पर काउंटर टॉप क्लीन कर रही हूँ, जो डब्बे एकदम खाली हैं या जो मैं अब यूज़ नहीं करना चाहती हूँ उनको बाहर रख देती हूँ, तो वो कल आएंगी ताई वो ले जाएंगी। और किचन क्लीनिंग काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद दूध का जो बर्तन, दूध के पैकेट आके काफ़ी देर से रखे थे, वो अब मैंने हाथ धो के सब साफ करके दूध रखा है उबालने, अब खाने की तैयारी होगी। लेकिन मैं शूटिंग नहीं करूँगी, तो बस अब कल शूटिंग करूँगी, तो रात के खाने का फटाफट से बनाती हूँ, बिना शूटिंग के ना सब जल्दी जल्दी से बना के सबका खाना हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे हम लोग एक नई रेसिपी के साथ। आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करना चाहती हूँ, काफ़ी देर हो गई ना सारा सामान रखने के बाद। बाय बाय, थैंक यू।